झारखंड में एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है। अवैध खनन मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई और सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर जेएमएम के महाजुटान को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। तो अवैध खनन मामले में आज हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। रांची ईडी ऑफिस में सीएम सोरेन से पूछताछ होगी। आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। आज हमें एक लड़ाई और लड़नी है। झारखंड में खनन घोटाले की आंच अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है। करीब 1000 करोड़ के खनन घोटाले में एक्शन का काउंटडाउन तो कई महीनों पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जांच का सीधा सामना करने के लिए सीएम सोरेन की बारी है। लिहाजा आज ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीएम सोरेन की पेशी से पहले राज्य का सियासी पारा हाई है। कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। पहले जेएमएम की बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। उसके बाद कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शाम को हुई और फिर देर रात में सीएम हाउस में यूपीए की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सुरेंद्र खेमे के नेताओं ने एक सिरे से बीजेपी और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। बैठक में कुछ तय नहीं है। यूपीए गठबंधन के बैठक बुलाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सारे दल के लोग यहाँ आए थे और उनको हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं भी दिए और ये सारे विधायक जो हैं गठबंधन के, उनको यही बात का आश्वस्त कराए कि आप मेरा नेता है, आगे भी आप नेता रहिए। मंत्रियों के बयान से पहले सीएम सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं को संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का, ये अब आपको तय करना है। इन किन प्रकार ये लोग लगे हुए हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग डटे रहिए, मैं इन सब को एक एक करके देख लूंगा। खबर है कि हेमंत सोरेन शक्ति प्रदर्शन करके ईडी दफ्तर जाने के मूड में है, यानी पेशी के दौरान उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ रहने वाला है। इसी के तहत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को महाजुटान के लिए रांची बुलाया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है। ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो जिस तरीके का माहौल पूरे राज्य में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को रांची आने के लिए कहा गया है, ये साफ तौर पर संवैधानिक संस्थाओं पर, जांच एजेंसीज पर दबाव बनाने की कोशिश है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति इस तरह का दबाव बनवा रहा है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने को काफी कुछ है, तभी वो इस तरह की बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इस तरह से कार्यकर्ताओं का महाजुटान हो रहा है और हम इसे अनफॉर्चुनेट मानते हैं। सीएम सोरेन की पेशी को लेकर झारखंड का सियासी पारा आसमान पर है। विरोधी खेमा आक्रामक है, वहीं सत्ता पक्ष इसे साजिश बता रहा है। ऐसे में अब समझना जरूरी है कि हेमंत सोरेन तक इस घोटाले की आँच कैसे पहुँची। हेमंत सोरेन का नाम आखिर 1000 करोड़ के खनन घोटाले से कैसे जुड़ गया। दरअसल साहिबगंज और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ था, जिसमें करीब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ। घोटाले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा सोरेन का करीबी है। पंकज के घर से सोरेन के साइन किए हुए 2 चेक मिले थे। ईडी की चार्जशीट में आरोप है कि अवैध खनन का रैकेट चलाने वाले आरोपी पंकज मिश्रा ने सीएम से संबंधों का फायदा उठाया और उसने सोरेन के कहने पर करोड़ों की रकम डायवर्ट की। इतना ही नहीं, पंकज सीएम का नाम लेकर अफसरों को कार्रवाई नहीं करने की धमकी भी देता था। अब तक पूरे मामले में 47 ठिकानों पर छापे मारे गए। इसी मामले में आज ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईडी की पूछताछ के बाद राज्य की राजनीतिक दिशा क्या होगी। पूछताछ के दिन जेएमएम ने सूबे में बड़ी रैली और विरोध प्रदर्शन को बुलाया है। इसके मायने क्या हैं? क्या सोरेन की पेशी के बाद झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? सत्यजीत कुमार के साथ आकाश कुमार, रांची, आज तक।